आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। और जैसा कि हम सभी को पता ही है कि इस चैप्टर में से 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे 6 मार्क्स कन्फर्म हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन से फिगर्स, कौन से शेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। बिकॉज चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो हम कौन से फिगर के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स निकालेंगे, सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। तो ये 6 फिगर है जिनका मेनली इस चैप्टर में हमारा यूज होने वाला है और इन्हीं के सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हम कैलकुलेट करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3-डायमेंशनल फिगर होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो लेट्स से अगर एक साइड ए है तो सारी साइड्स ए होंगी, ठीक है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी सेम होती है क्योंकि सारी साइड सेम है एंड ये एक 3-डायमेंशनल फिगर होता है। सो दिस इज क्यूब। अगला फिगर है क्यूबॉइड। फ्रेंड्स, क्यूबॉइड भी ये भी एक 3-डायमेंशनल फिगर है लेकिन इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों डायमेंशंस अलग होती हैं, ठीक है। ये लेंथ है, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट, ये हाइट है, ये ब्रेथ है एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। अगला शेप है कोन। फ्रेंड्स, कोन जैसे आपने देखा होगा, जैसे बर्थडे में जो हम कोन पहनते हैं, जो टोपी पहनते हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, तो वो इसी शेप का होता है, ठीक है। ये अंदर से हॉलो होता है, अंदर से हॉलो होता है एंड बाहर से ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, ऐसे ट्राइंगुलर शेप का होता है और कर्व्ड होता है, ठीक है। अंदर से हॉलो होता है, कर्व्ड होता है एंड ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो इस कोन में देखो, ये यहाँ सेंटर पॉइंट से लेके ऊपर तक, टिप तक, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। एंड ये सेंटर पॉइंट से लेके कोन के एज तक, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द कोन। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द कोन। और ये कोन की जो ये स्लांटिंग वाली हाइट है ना, ये जो स्लांटिंग में है, इस हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोन में 3 चीज़ें होती हैं, रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट। रेडियस होता है सेंटर से लेके एज तक का ये जो पार्ट है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस, या फिर इस सेंटर से लेके यहाँ तक इस वाले एज का जो पार्ट है ये होता है रेडियस, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से ऊपर के कोने तक का ये जो पूरा वर्टिकल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द कोन। और ये जो स्लैंटिंग वाला डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये कोन की टर्म्स थी, ठीक है। कोन का अब हमने डिस्कस कर लिया। अगला फिगर है सिलेंडर। फ्रेंड्स, सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस होती है और 2 प्लेन सरफेस होती हैं। जैसे आप देख सकते हो, आपने सिलेंडर देखा भी होगा, जैसे ये पेन सिलेंडर की शेप का है, ये पूरी कर्व्ड सरफेस है और ऊपर नीचे ये बेस होता है जिसकी फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, ऊपर के नीचे ये दोनों जो बेस होते हैं ये फ्लैट होते हैं। तो सिलेंडर में 2 टर्म्स होती हैं, हाइट और रेडियस। सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस बोलते हैं। ये सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ का रेडियस, या फिर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस। तो ये इस वाले बेस का रेडियस है और ऊपर वाले बेस का भी सेम, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होती है? ये ऊपर से लेके नीचे तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये सिलेंडर में 2 ही चीज़ें होती हैं, रेडियस और हाइट, और इसमें एक कर्व्ड सरफेस होती है और 2 फ्लैट सरफेसेस होती हैं, ऊपर और नीचे का जो बेस होता है, ठीक है। अगला फिगर है हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स, हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ होता है। स्फीयर क्या है? स्फीयर मतलब एक टाइप से, जैसे अपनी क्रिकेट की बॉल होगी तो वो एक स्फीयर की शेप की होती है, ठीक है। सर्कल होता है लेकिन अंदर से वो पूरा फिल्ड अप होता है, उसमें एक ही कर्व्ड सरफेस होती है। तो स्फीयर का जब अगर आप बीच में से काट दो तो आपको हेमिस्फीयर मिलेगा, है ना, ये हेमिस्फीयर इस शेप का, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर में ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। हेमिस्फीयर में एक ही टर्म होती है, विच इज़ रेडियस। तो हेमिस्फीयर की नीचे वाली जो सरफेस होती है कर्व्ड होती है और ऊपर एक फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है। नीचे से कर्व्ड होता है, ऊपर से फ्लैट होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस ही माना जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस ही माना जाएगा, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट है इसका और चारों तरफ का जो भी डिस्टेंस होता है वो रेडियस ही होता है, जैसे आपने सर्कल में देखा होगा। तो ऊपर का ये हेमिस्फीयर का जो पार्ट होता है ये सर्कल ही होता है, तो उसका जो सेंटर है और बाकी के एजेस का जितना भी डिस्टेंस है वो रेडियस ही माना जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। इसकी एक कर्व सर्फेस होती है, एक फ्लैट सर्फेस होती है। दूसरा अगला फिगर है स्फीयर। फ्रेंड्स, स्फीयर में एक ही कर्व्ड सरफेस होती है, बिकॉज जैसे आपने बॉल देखी होगी तो उसमें कोई फ्लैट सरफेस तो होती नहीं है, एक ही सरफेस होती है जो पूरी कर्व्ड होती है ना। तो स्फीयर का ये सेंटर पॉइंट होता है
एंड इसके एज तक ये रेडियस माना जाता है, ठीक है. दिस इज द रेडियस और दिस इज द रेडियस या कुछ भी, ठीक है. सेंटर पॉइंट से लेके एज तक का ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होता है स्फीयर का, और इसमें सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है. सो ये सारे शेप्स हैं और इन्हीं के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो अब हम फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं कि इन फिगर्स के हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स निकालेंगे कैसे, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं. इस चैप्टर में मेनली फॉर्मूलाज का ही रोल है. इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि ये फिगर है, इसमें कौन सिलेंडर है, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, इसमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वो सब आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प से ही फाइंड आउट करोगे, ठीक है. तो फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट करके आप एक नोटबुक में भी अच्छे से लिख लो, ठीक है. सो डिस्कस करते हैं, तो हमें क्या क्या निकालना है. हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना होता है. जो सरफेस एरिया होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब एक फिगर का जो कर्व्ड सरफेस है सिर्फ उसका एरिया, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया मतलब उस फिगर में जितनी भी सर्फेसेज हैं, चाहे वो कर्व्ड हो, फ्लैट हो, सारी सर्फेसेज का एरिया वो टोटल सरफेस एरिया हो गया. अब जैसे अगर मैं क्यूब और क्यूबॉइड की बात करूँ, तो क्यूब और क्यूबॉइड में तो कोई कर्व्ड सरफेस होती नहीं है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे. तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, मतलब जो चारों साइड्स हैं उनका एरिया, ऊपर वाली और नीचे वाली साइड को छोड़ दो, जो चारों बाकी की साइड्स हैं उनका एरिया, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, और यू कैन से लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है. तो क्यूब या फिर क्यूबॉइड के केस में अगर आपको कर्व्ड सरफेस या लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आपको सिर्फ चार साइड्स का एरिया निकालना, जो ऊपर वाली और नीचे वाली साइड होगी ना उनका एरिया नहीं निकालना, ठीक है. ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, और बाकी के जितने भी फिगर्स हैं उनमें जो कर्व्ड सरफेस होगी उनका एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया होता है जितनी भी सर्फेसेज हैं सबका एरिया, एंड वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द फिगर. तो अब हम फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले क्यूब के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4a², मतलब 4 into a², a क्या है, साइड ऑफ द क्यूब. क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको हम a अज्यूम कर लेंगे, तो 4 into a² ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यूब की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a². ऐसे ही इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब a into a into a, ये क्यूब होता है, ठीक है. क्यूबॉइड की कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 into h into l+b, मतलब 2 into height एंड लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि क्यूबॉइड में हाइट, लेंथ, ब्रेथ ये तीनों डायमेंशंस अलग होती हैं, ठीक है. एंड इसकी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 into l into b + b into h + h into l, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इनको ऐड कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला है l b h, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल. सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 πr h, मतलब 2 into π into radius into height, ठीक है. एंड सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 into πr into h + r, ठीक है, 2 into π into radius into height + radius, ठीक है. सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h, मतलब π into radius² into height. कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πr(l), मतलब π into radius into slant height, ठीक है, l होती है स्लैंट हाइट. और कोन की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है π into r into r + l, मतलब π into radius into radius + slant height. ऐसे इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 into h into π into r² 1/3 into π into height और into radius का square, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है. ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है. अब स्फीयर की बात करते हैं, तो स्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² और इसकी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी होता है 4πr², क्योंकि स्फीयर में एक ही सरफेस होती है विच इज़ कर्व्ड. सो इसीलिए कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर है सेम है इन द केस ऑफ स्फीयर, विच इज़ 4πr². स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 into π into r³, मतलब 4/3 into π into radius³, ठीक है. हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr² 2 into π into radius² और इसकी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3πr², मतलब 3 into π into radius². हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3πr³, ठीक है, 2/3 into π into radius³, ठीक है. सो ये सारे फॉर्मूलाज थे सारे फिगर्स के, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम का, ठीक है. आप इनको आराम से नोट कर सकते हो और इनको आराम से याद भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं का आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है.
सो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर हो गए हैं, याद हो गए हैं. अगर आपको ये फॉर्मूलाज 100% कन्फर्म हो गए हैं तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. ओके सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन को सीखने के लिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप. तो एक टेंट है, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है, मतलब उसका जो शेप है वो सिलेंडर है, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, मतलब कोन का उसका जो ऊपर की जो छत होती है टेंट की वो कोन की शेप की है, ठीक है. तो इसके ऊपर कोन की शेप की ऐसे ये छत है, ठीक है, ठीक है. तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया टेंट का. आगे क्या बोला है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली. तो अब हमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना टेंट का, ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है, इसकी हमें डायमेंशंस दे दी, इसकी हमें हाइट बता दी कितनी 2.1 मीटर और डायमीटर हमें बता दिया 4 मीटर. देखो डायमीटर की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनमें रेडियस का यूज होगा, ठीक है. तो हम डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. तो डायमीटर से रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो 4 का हाफ होता है 2. तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस है 2 मीटर और इसकी हाइट है 2.1 मीटर. सो यहाँ पर लिख देते हैं, सो दिस इज ये जो सिलेंडर की ये जो हाइट है ये है 2.1 मीटर एंड इसका जो रेडियस है, मतलब यहाँ सेंटर पॉइंट से लेके ये जो डिस्टेंस है इट इज 2 मीटर, ठीक है, रेडियस हो गया. आगे क्या बोला है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर. और ये जो कोनिकल टॉप है इस टेंट का, इसकी हमें स्लैंट हाइट दी हुई है कितनी 2.8 मीटर. स्लैंट हाइट क्या होती है, ये जो स्लांटिंग वाली हाइट होती है ना यही स्लैंट हाइट होती है, L, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 2.8 मीटर. तो ये 2.8 मीटर है, ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना है जो इस टेंट को बनाने के लिए यूज होगा. कैनवास क्या होता है, वो कपड़ा होता है जिससे टेंट बनता है, ठीक है. तो हमें एरिया ऑफ कैनवास फाइंड आउट करना है कि कितना कैनवास लगेगा, मतलब कितना कैनवास लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर. और हमें कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है कि जितना भी कैनवा यूज होगा टेंट बनाने में उसका कॉस्ट क्या होगा. और हमें एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बता दी 500, तो हमें टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है. और हमें क्या गिवन है, नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास. ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो टेंट का बेस है उसमें कैनवास नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि बेस में कैनवास थोड़ी लगता है. जो साइड में जो दीवार है ऊपर जो छत है उसी में कैनवास का यूज़ होगा. तो अब हम कैनवास का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड दिस कोन. हमें इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे. सो दैट विल बी द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड. क्योंकि कैनवास तो सिर्फ बाहर बाहर लगेगा ना टेंट के, तो सिलेंडर के बाहर, मतलब सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उस पर लगेगा और जो कोन है उसके बाहर लगेगा, मतलब कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगेगा. तो कैनवास सिर्फ बाहर लग रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे लग रहा है, इसलिए हम पहले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे. तो जो एरिया आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, ठीक है, क्लियर हो गया. फिर जब हमारे पास एरिया आ जाएगा फिर हम कोस्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट. तो कितना क्या एरिया होगा उस कैनवास का, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इसमें हम क्या कर देंगे, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर देंगे. सो वी विल ऐड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है. इन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें कैनवास का टोटल सरफेस मिल जाएगा, मतलब ये हमें पता लग जाएगा कि कितना कैनवास यूज होगा इस टेंट को बनाने में, ठीक है. तो सबसे पहले हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, है ना, यही फॉर्मूला होता है 2πRh. तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो इसको मैं रेज कर रही हूँ. सो फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRh. तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 into pi into radius into height. तो
टू इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस क्या है सिलेंडर का, रेडियस सिलेंडर का हमें गिवन है 2 मीटर। एंड हाइट क्या है सिलेंडर के, 2.1 मीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21। अब हम इन सारों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 3 होता है 6, 6 × 2 होता है 12। तो 12 × 22 कितना होता है, 12 × 22 दिस विल बी 264। ठीक है, 264 आएगा। तो इन न्यूमिरेटर को सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 264, और डिनोमिनेटर में 10 बचा है। तो 264 डिवाइडेड बाय 10 ये कितना होगा, इट विल बी 26.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 26.4 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, इट इज 26.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिलेंडर का हमने निकाल लिया, अब हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, नाउ विल फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और फिर उन्हें ऐड कर देंगे। सो तो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज पाई आर एल। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज इस चैप्टर में फॉर्मूलाज का ही यूज़ है, और किसी आपको थ्योरम या और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रखना। बस आपको फिगर गिवन होगी और उस हिसाब से आपको पता करना है कि आपको कौन सा क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम क्या निकालना है। फिर जो आपको निकालना होगा, जो कैलकुलेट करना होगा, उसका आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, सो फॉर्मूलाज ही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। ओके, सो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस क्या है, अब इस कोन का रेडियस क्या है, ये कोन का रेडियस तो हमें गिवन ही नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स ये कोन का और सिलेंडर का जो रेडियस है ये सेम है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिलेंडर के ऊपर ही कोन बना हुआ है। तो इसका कोन का जो बेस है और ये सिलेंडर का ऊपर वाला जो बेस है ये ओवरलैप कर रहा है, इसलिए जो दोनों का रेडियस होगा वो सेम होगा। तो सिलेंडर का रेडियस 2 मीटर है, तो ये जो कोन है इसका रेडियस भी 2 मीटर ही होगा। ठीक है, सो दिस विल बी इनटू 2 इंटू एल। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट हमें गिवन है कोन की कितनी, 2.8 मीटर। तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 7 × 7, 7 × 4 = 28। एंड अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 × 2 = 8, 8 × 22 = 22। तो 22 × 8 कितने होते हैं, इट इज 176। तो 176 इनको मल्टीप्लाई करके आ गया, फिर डिवाइडेड बाय 10। तो 176 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, इट इज 17.6 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इस कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया कितना, 17.6 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आया था कितना, 26.4 मीटर स्क्वायर। एंड ये हमारे पास कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें तो वो क्या मिल जाएगा, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। हमें जितना कैनवा यूज होगा उसका एरिया मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, नाउ लेट्स ऐड देम। सो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड। तो कितना कैनवा यूज होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। सो 26.4 मीटर स्क्वायर + 17.6 मीटर स्क्वायर, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 26.4 × 17.6, दिस विल बी 44। ठीक है, ये कितना आएगा, 44 मीटर स्क्वायर आएगा। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो कितना कैनवा यूज़ होगा, कितना कैनवा यूज़ होगा, 44 मीटर स्क्वायर, इतना कैनवा यूज़ होगा टेंट को बनाने के लिए, इस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया, वी हैव फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कैनवास यूज। तो कितना कैनवास यूज़ होगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें कोस्ट भी फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि हमें कोस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट गिवन है ₹500। तो हम इसको टोटल एरिया से, जितना एरिया लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा, सिंपल है ना। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो टोटल एरिया है इस कैनवास का विच इज 44 मीटर स्क्वायर, इसको हम 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 500 से। तो 44 × 500 कितना होता है, इट इज 22,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा ₹22,000, क्योंकि यहाँ पर हम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आएगी, 22,000। तो 22,000 लगेंगे कैनवास को परचेज करने के लिए, जितना कैनवास इसमें यूज़ होगा, और कितना कैनवास यूज़ होगा, 44 मीटर स्क्वायर। तो देखा आपने
कितना इजी क्वेश्चन था, बस इसमें हमने फॉर्मूलाज का यूज़ किया है एंड अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। सबसे जो मेन काम होता है इन क्वेश्चंस का कि आपको स्टेटमेंट समझनी पड़ती है एंड देन फिगर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, रीड द क्वेश्चन, देन ड्रॉ द फिगर। फिर जब आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालनी है। और फिर जो आपको निकालना होगा उसका आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो देखो, हमारे पास एक सॉलिड है, एक फिगर है, और वो जो सॉलिड है, वो जो फिगर है, वो दो शेप से मिलकर बना है। इट इज कोन एंड द हेमिस्फीयर। तो देखो, कोन है और वो जो कोन है वो एक हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड फिगर है और हमें बता रखा है कि एक सॉलिड है वो कंसिस्टिंग कर रहा है ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, और इस सर्कुलर कोन, इस कोन की हमें हाइट बता रखी है 120 सेंटीमीटर। तो इस कोन की हाइट क्या है, द हाइट ऑफ द कोन इज 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें बता रखा है इसका 60 सेंटीमीटर। सो द रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इट इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये जो कोन है ये एक हेमिस्फीयर पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। एंड इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर कोन रखा है, कोन का रेडियस 60 है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 ही होगा, क्योंकि दोनों के जो बेस हैं वो टच कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसलिए कोन का रेडियस 60 है, इसलिए जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब ये जो पूरा, ये जो फिगर है, ये जो सॉलिड है जो एक कोन और हेमिस्फीयर से बना है, तो ये जो सॉलिड है ना, इसको एक सिलेंडर के अंदर हमने रख दिया, ठीक है। इस सॉलिड को हमने अपराइट पोजीशन में सिलेंडर के अंदर रख दिया और उस सिलेंडर में पूरा पानी भरा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज द सिलेंडर एंड इसमें पूरा पानी फिल था और इस सिलेंडर के अंदर हमने इस फिगर को ऐसे अंदर डाल दिया और सच ऐसे डाला है कि इस फिगर का जो बॉटम है वो इसके सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। तो कैसे अंदर डालेंगे हम इसको, ये ऐसे इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसको हमने सिलेंडर के अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो बाकी का पानी रह गया इस सिलेंडर में उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें पता था कि सिलेंडर में ऑलरेडी पानी भरा हुआ था, ठीक है। तो जब हमने इस फिगर को, इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डाला, तो अब पानी बाहर भी तो निकलेगा ना, बिकॉज अब ये सॉलिड इसके अंदर आ गया, तो जितनी सॉलिड की वॉल्यूम होगी उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा इस सिलेंडर में से। और अब जो पानी इसके अंदर बचा है, जो रिमेनिंग वाटर रह गया, उसकी वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है और हमें सिलेंडर की डायमेंशंस भी बता दी। सिलेंडर का रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ ये बेस का जो सेंटर होता है यहाँ से ये कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर की पूरी हाइट कितनी है, इट इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें बता दिया। तो हमें जो रिमेनिंग वाटर बच गया इस फिगर को अंदर डालने के बाद, जो रिमेनिंग वाटर बचा है सिलेंडर के अंदर, उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उतना ही उसमें पानी होगा, है ना, बिकॉज वॉल्यूम क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी फिगर की। सो इस सिलेंडर की सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद फिर हम इस सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ये जो फिगर हमने इसके अंदर डाला है, कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर ये सॉलिड बना है, हमें इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कोन की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो हमने सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे, इस सॉलिड की वॉल्यूम निकालेंगे और फिर दोनों, फिर हम क्या करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो जब हम सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी का जो इसमें पानी बचा होगा उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। सबसे पहले हम सिलेंडर की वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, देन हम इस सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे एंड फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, हमारे पास ये जो रिमेनिंग वाटर यहाँ पर बचा होगा ना, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, सिंपल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बारी मैं डायग्राम को दोबारा फेयर ड्रॉ कर लेती हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो दिस इज द सिलेंडर,
तो दिस इज द फिगर, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। सिलेंडर की हमें हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और कोन और सिलेंडर हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है और जो सिलेंडर है उसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। सब अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 60, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट क्या है सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर, सो इनटू 180, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 20 तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इट विल बी 142,560,000, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बिग होगी, तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो यही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है और यूनिट क्या है सेंटीमीटर है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। अब हमें इस सॉलिड फिगर की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर। तो ये जो सॉलिड फिगर है ये दो शेप से मिलकर बना है ना, कौन से और हेमिस्फीयर, तो हमें इन दोनों की वॉल्यूम निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो हमें पूरी सॉलिड की वॉल्यूम मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड देन हम उसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले कोन की वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो कोन की वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, तो 60 का स्क्वायर होता है 3600 इंटू हाइट, हाइट क्या है कोन की 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सो 3 1 3 एंड ये 1 2 0 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 1200 इंटू 120, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड डिवाइड बाय 7, तो अब तो बस कैलकुलेशन ही रह गई है। सो दिस विल बी 3 1 6 8 000 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ द कोन आ जाएगी हमारी 3 1 6 8 000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने अब कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली, तो कोन की वॉल्यूम निकाली, अब हम हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तब हमें ये पूरा जो सॉलिड फिगर है इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी, और जब सॉलिड की वॉल्यूम मिल जाएगी फिर हम सिलेंडर की वॉल्यूम में से सॉलिड की वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमें जो रिमेनिंग वाटर है उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, सो इसको आप नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब, तो रेडियस है 60 सेंटीमीटर, 60 का क्यूब कितना होगा, इट विल बी 2 1 6 0 0 0, ठीक है, ये क्यूब होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 1 3 ये हो जाएगा 72,000, ये 72,000 पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 22 × 2 होता है 44, 42 × 72,000 कितना होता है, इट इज़ 3 1 6 8 000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है इन दोनों की वॉल्यूम हमारी सेम आई है, क्योंकि कोन की वॉल्यूम भी कोन की वॉल्यूम भी यही थी 3 1 6 8 000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, और जो हेमिस्फीयर है उसकी वॉल्यूम भी यही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोन और हेमिस्फीयर इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तब हमें इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम मिल जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इनको ऐड करते हैं। तो कोन की वॉल्यूम कितनी है 3 1 6 8 000 डिवाइडेड बाय 7, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम भी यही है, ठीक है। सो नाउ लेट्स ऐड देम,
तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 7 है. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं. तो न्यूमिरेटर्स को हम ऐड कर देंगे. सो 3168000 प्लस 3168000, तो ये कितना हो जाएगा 000, ये हो जाएगा 16, देन दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 6. तो ये आ जाएगा हमारे पास 6336000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो हमने इस पूरे सॉलिड फिगर की वॉल्यूम निकाल ली. ये जो सॉलिड फिगर है इसकी वॉल्यूम है ये 6336000 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें रिमेनिंग वाटर, ये जो रिमेनिंग वाला वाटर है, यहाँ पर रिमेनिंग वाटर होगा ना, यहाँ पर इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. तो इसकी वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे. तो हमने अभी सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली थी स्टार्टिंग में, और ये हमने सॉलिड फिगर, ये जो सॉलिड फिगर है इसकी वॉल्यूम निकाली. अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वाटर. ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको अच्छे से स्टेटमेंट लिखोगे आपकी, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है, स्टेटमेंट आपको पूरी अच्छे से लिखनी है, यहाँ पर मैं जस्ट आपको माइनस करके दिखा रही हूँ. तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी थी, इट वॉज 14256000 डिवाइडेड बाय 7, एंड हम इसमें से माइनस कर देंगे ये इस सॉलिड की वॉल्यूम. तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, 6336000 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, अब माइनस कर देते हैं. तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को माइनस कर सकते हैं. तो ये है 14256000 एंड ये है 6336000. ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देते हैं. तो ये 000 एज इट इज़ रहेगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 जा नहीं सकता तो कैरी देंगे, तो 12 में से 3 जाएगा 9. ठीक है, यहाँ पर बचेगा 3, तो 13, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा एंड दिस विल बी 0. तो ये आ जाएगा हमारे पास 7924000 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, ये हमारे पास आ गई रिमेनिंग वाटर की वॉल्यूम. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, 7924000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब. तो जो रिमेनिंग वाटर है उसकी वॉल्यूम कितनी है, दिस. तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. सो देखा आपने, जस्ट हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमने डायग्राम ड्रॉ किया, फिर हमने समझा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, कि इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फिर हमने फॉर्मूला उसको अप्लाई करके कैलकुलेशंस करी एंड वी गॉट द आंसर. तो इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशंस डिफिकल्ट थी क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े नंबर थे. ओके, सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. हमने मोस्टली जितने भी सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम, जितने भी फॉर्मुलेज थे उनकी एप्लीकेशन सीख ही ली है. ठीक है, तो सारे फॉर्मुलेज ऐसे ही अप्लाई होंगे. आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे. ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वॉन्ट. सो वी हैव कम्प्लीटेड द रिविजन ऑफ आर चैप्टर सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. इस पूरे चैप्टर को हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है. हमने सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया एंड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जिसमें फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन भी था. ओके, सो अब आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है, तभी आप इस चैप्टर में 100% परफेक्ट होगे. ओके, एंड फ्रेंड्स, एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे. So that's all for this video. Thank you so much.